अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों और हाजरीन। स्टेट लेवल जूम लेसन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग एडेड उर्दू प्राइमरी सेक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ रिस्पेक्टेड मिस्टर इकबाल सर बीओ, ग्रेट सुपरविजन ऑफ ऑनरेबल मिस्टर महेश पालकर सर। बच्चों हम अपने सबक की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करते हैं, आप मेरे साथ पढ़िए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और दुआ पढ़ लीजिए, रब्बी जिदनी इल्मा वल्हिकनी बिस्सालिहीन। ऐ अल्लाह मेरा इल्म ज्यादा कर और मुझे नेक लोगों में शामिल कर। बच्चों आप सब तैयार हो ना सबक पढ़ने के लिए? ओके, चलिए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। हमारे स्कूल का नाम है अंजुमन नूरुल इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल साकिना का मुंबई 72। मैं आपकी मैथ्स की टीचर शाहिदा बानो मोहम्मद शौकशी। हम सब स्टैंडर्ड फर्स्ट से हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रियाजी। हमारे सीएनओ हैं अंसारी अशरफ अली बशीर अहमद सर और तौफीक मुल्ला सर। बच्चों आप लोगों ने गिनती सीखी है ना? बताइए मुझे कहाँ तक गिनती सीखी है आप लोगों ने? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, हमने कहाँ तक गिनती सीखी है? कंटिन्यूएशन में हमने कहाँ तक गिनती सीखी बच्चों? वेरी गुड हबीबा, हमने 1 to 50 तक अच्छी तरह से सीख लिए और नंबर नेम्स भी सीख लिए। आज हम 50 के आगे सीखेंगे। ओके नाउ अब बताइए आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, कौन सा नंबर है ये? वेरी गुड, कौन सा नंबर है मेरा? 51 है ना, इसे क्या कहेंगे? 51। उर्दू में क्या कहेंगे? 51, 51। ओके इसके बाद कौन सा अदद आ रहा है देखिए, 51 के बाद कौन सा आएगा? वेरी गुड, फटाफट आंसर 52। 52 के बाद कौन सा आंसर कौन सा आएगा नंबर? 53, 53। अब कौन सा आएगा? वेरी गुड, 54 है ना, 54। अब देखिए इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 55, 55। अब देखिए कौन सा नंबर आ रहा है? 56, वेरी गुड, 56। नंबर में तो आप उस्ताद हो गए ना, फटाफट आंसर, वेरी गुड। 57, 57। अब कौन सा आएगा? वेरी गुड, 58, 58। अब कौन सा आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, 59, 59। और 59 के बाद ये रहा हमारा 60 है ना। अब हम इसे लफ्जों में देखते हैं। ओके चलिए अब हम इसे लिखना भी सीखेंगे ना, किस तरह लिखते हैं। ये देखिए उर्दू में गिनती आई 5 दहाई 1 इकाई, 50 जमा 1 51। क्या कहेंगे इसे? 51। अलिफ काफ 1, ये अलिफ या वानून 1, 51। और इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? 51। लफ्जों में एफ आई एफ फिफ टी वाई टी 50, ओ एन ई 1, 51। कितना आसान है ना, मेरे साथ आप पढ़ते जाइए तो आपको याद हो जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट, अब बताइए इसे कैसे पढ़ेंगे? 5 दहाई
दो इकाई, कैसे पढ़ेंगे? 5 दहाई 2 इकाई, 52, बेलिबा वनुन्वन, 52, बेलिबा वनुन्वन, 52, 50 जमा 2 बराबर 52। फिफ्टी टू इंग्लिश में क्या कहेंगे? 52, वेरी गुड। 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52। और लफ्जों में किस तरह पढ़ेंगे? वर्ड्स में FIF, TYT, 50, TWO, 52। ओके नाउ नेक्स्ट। पढ़िए, इसे पढ़िए बच्चों, वेरी गुड। 5 दहाई 3 इकाई, 5 दहाई 3 इकाई, 53। तेरे तिल पेनुन पन, पढ़ रहे हैं ना आप लोग? हम देख रहे हैं कौन कौन पढ़ रहा है। आंसर्स तो आ रहे हैं आपके, लेकिन आपका मुंह भी हिलना चाहिए, है ना? वेरी गुड। तेरे तिर पेनुन पन, 53, 50 जमा 3 बराबर 53। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेरी गुड, 53। क्या कहेंगे इसे? देखिए लफ्जों में कैसा लिखते हैं। 50 तो आपको आ गया लिखने, है ना? स्पेलिंग याद हो गई ना बच्चों? FIFTY 50, THRII 53। वेरी गुड। आयशा पढ़ो बेटा, आयशा। हाँ, क्या नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर? पढ़ो बेटा, कौन सा अदद है बताइए? 5 दहाई 4 इकाई, 5 दहाई 4 इकाई, 54। क्या कहेंगे? 54, चौवन, 54, 50 जमा 4 बराबर 54। 50 में हम 4 मिलाते हैं तो कितना हो जाता है? 54। ओके इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? 54, है ना? वेरी गुड। अब लफ्जों में देखिए आप किस तरह लिखे। FIFTY 50, FOUR 4, 54। आ गया ना बच्चों, याद हो गया ना आपको? वेरी गुड, मेरे बच्चे तो बहुत होशियार हैं, जल्दी से याद कर लेते हैं ना टीचर के साथ साथ। वेरी गुड। 5 दहाई 5 इकाई, 5 दहाई 5 इकाई कितना होता है? 55। पेचे पच पेनुन पन 55, जिस तरह हम बचपन लिखते हैं ना, इस तरह 55। पेचे पच पेनुन पन 55, 50 और 5 55। 50 में हम 5 मिलाते हैं तो कितना हो जाता है? 55। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 55, FIFTY 50, FIVY 55। वेरी गुड। अब आयशा पढ़ रही है ना? हाँ, सब बच्चे पढ़ेंगे। वेरी गुड। अब हम देख रहे हैं कौन कौन पढ़ रहा है, हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। नींद आ रही है? नहीं, नींद गायब हो गई है ना? हाँ, 5 दहाई 6 इकाई, 5 दहाई 6 इकाई 56। 6 पे 6 पेनुन पन 56, 6 पे 6 पेनुन पन 56। 50 जमा 6 कितना होता है बच्चों? वेरी गुड, 56। अब हम इसे इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे? 56। वेरी गुड। अब पढ़ेंगे कैसे? FIFTY 50, SIX 6, 56। ओके नाउ नेक्स्ट। ये देखिए कौन सा अदद आया आपके सामने, बताइए। जीनत, फिरदौस, खतीजा, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर आया। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड साहिला। 5 दहाई 7 इकाई 57। वेरी गुड रुकैया। 50 जमा 7 बराबर 57। 57। किस तरह पढ़ेंगे? 57। अब देखिए हम इंग्लिश में किस तरह पढ़ते हैं? 57, है ना?
FISTY 50, SEVN 7। 10 तक तो गिनती आपको अच्छे से याद हो गई ना। हाँ, और 50 तक भी याद हो गई होगी। वेरी गुड। अब हम 50 के आगे सीख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आ जाएगी, है ना। उर्दू में भी कुछ मुश्किल नहीं, हम इजे करके पढ़ सकते हैं। हम तो हरफों से वाकिफ हो गए हैं ना। 5 2 8 1 58, 5 2 8 1 58, अलिफ ठे अठ ठे अलिफ ठा, 1 1 1 58। पढ़ रहे ना बच्चों आप लोग, देख रहे हैं हम, जीनत पढ़ो। अलिफ ठे अलिफ ठा, 1 1 1 58, 50 जमा 8 बराबर 58। 50 में 8 मिलाते तो कितना होता है? 58। 58 इंग्लिश में किस तरह पढ़ेंगे? 58 FISTY 50 EIGHT 8 58। Now look at the screen. What comes on your screen? Very good. क्या आया अभी बच्चों, कौन सा दद आया? वेरी गुड आया, 59, है ना। 5 2 9 1, उर्दू में किस तरह पढ़ेंगे? 5 2 9 1, अलिफ नून उन सीन ते सट उनसठ, 50 जमा 9 59। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। और इंग्लिश में से पढ़ेंगे 59, वेरी गुड। क्या पढ़ेंगे? 59 FISTY 50 NINE 9, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए, अब 5 दहाई खत्म हो गया। अब 5 दहाई में 59 में 1 मिला है तो कितना हो जाता है? 60, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड मरियम। कितना हो जाता है? 60, है ना हबीबा। ओके, 6 दहाई 0 1, किस तरह पढ़ेंगे उसे? 6 दहाई 0 1 60, सीन अलिफ 60 60, सीन अलिफ 60 60। इंग्लिश में किस तरह पढ़ेंगे? 60 60, है ना। लफ्जों में किस तरह लिखेंगे? SIXTY 60 SIXTY 60। ओके, याद हो गया बच्चों 60 तक? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन ऑफ 61 to 70 नंबर्स। ओके, तैयार है ना अब आगे बढ़ने के लिए? हाँ, सबके चेहरे से तो लग रहा है। अब देखिए आपके सामने क्या आया। ओके, आयत तैयार है, आयत ने कहा यस टीचर। ओके बच्चे, देखिए क्या आया आपके सामने, ब्लॉक्स आए ना। हाँ, अब ये ब्लॉक्स तो आपको पता है, एक ब्लॉक्स में कितने कितने ब्लॉक, एक लाइन में कितने ब्लॉक्स हैं? वेरी गुड, 10, है ना, 10। और यहाँ पर कितने ब्लॉक्स है आपके सामने? 3 ब्लॉक्स, है ना। हाँ, 10 यानी 1 दहाई, 10 यानी 1 tenth 1 tenth 1 दहाई। अब यहाँ पर 3 है तो कितनी दहाई होगी बच्चों? 3 दहाई 30, वेरी गुड, है ना, 3 tenth। अब देखिए और आ रहा है आपके सामने, अब कितने हो गए बताइए? वेरी गुड, कितने हो गए जल्दी से बताइए? 3 tenths में और 3 tenths आ गए, कितने हो गए? 6 tenths, है ना। वेरी गुड, कितनी हो गई? 6 दहाई, कितनी हो गई? 6 दहाई। और ये है 6 tenths, वेरी गुड, आप तो एक्सपर्ट हो गए। अब ये देखिए, एक एक ब्लॉक और आया है ना आपके सामने। ये क्या है? 1 इकाई, क्या है ये? 1 इकाई, 1 unit, है ना, 1 unit, 6 tenths 1 unit। ओके, अब इसे हम यूनिट और टेंस में देखते हैं और इकाई और दहाई में देखते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, टेंस पर और दहाई में क्या आएगा? दहाई के मकाम पर टेंस की कौन सा अदद लिखेंगे, कौन सा नंबर लिखेंगे? फटाफट आंसर आना चाहिए। वेरी गुड आयत, वेरी गुड उमेरा। क्या आएगा? 6, है ना। 6 क्या है? 10 है। और यूनिट में क्या आएगा?
वन, वेरी गुड। 61, क्या पढ़ेंगे इसे? 61, SIXTY, 60, ONE, 61। उर्दू में किस तरह पढ़ेंगे? सीन अलिफ साठ साठ, सीन अलिफ साठ साठ। याद हो गया बच्चों? अलिफ का एक सिंटेसठ इकसठ। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पर कितने आए ब्लॉक्स, जल्दी से बताइए। हाउ मेनी टेंस, कितने टेंस हैं? वेरी गुड साहिल अनास, वेरी गुड। कितने ब्लॉक्स हैं? सिक्स टेंस के ब्लॉक्स है ना, छह दहाई, कितनी दहाई है बच्चों? सिक्स टेंस है ना, वेरी गुड। अब देखिए यूनिट में कितना आ रहा है, कितना आया बच्चों? वेरी गुड, दो इकाई। क्या पढ़ेंगे इसे उर्दू में? दो इकाई, और इंग्लिश में कहेंगे टू यूनिट्स। क्या कहेंगे? टू यूनिट्स। टेंस एंड यूनिट्स में हम देखते हैं किस तरह लिखते हैं। अब जल्दी से बताइए टेंस में क्या लिखेंगे हम, जल्दी से बताइए। टू यूनिट लिखेंगे कि सिक्स लिखेंगे? वेरी गुड, क्या लिखेंगे हम? सिक्स है ना, वेरी गुड। सिक्स टेंस एंड हाउ मेनी यूनिट्स, छह दहाई हो गई, इकाई कितनी हुई बच्चों? दो, वेरी गुड। तो इसे क्या पढ़ेंगे? 62, बासठ है ना, बेली बा सिंटेसठ बासठ। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बेली बा सिंटेसठ बासठ। 62, क्या पढ़ेंगे? 62, वेरी गुड। अब देखिए कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं आपके सामने, जल्दी जल्दी गिनिए। वेरी गुड, सिक्स ब्लॉक्स है ना, सिक्स टेंस, छह दहाई, सिक्स टेंस है ना, हाउ मेनी टेंस? सिक्स टेंस, छह दहाई। अब देखिए इकाई कितनी आ रही है, वेरी गुड, बोलने से पहले जवाब आ जाता है ना, वेरी गुड। थ्री यूनिट्स है ना, इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों? थ्री यूनिट्स, तीन इकाई। क्या पढ़ेंगे इसे? तीन इकाई, सिक्स टेन थ्री यूनिट्स, छह दहाई तीन इकाई। अब इसे इकाई दहाई में देखते हैं जल्दी से। 63, क्या आ गया? 63, सिक्स टेंस थ्री यूनिट्स। इस तरह पढ़ेंगे इसे 63, SIXTY, 60, PHRWE, 3, 63। याद हो गया बच्चों 60 की स्पेलिंग? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे फटाफट याद करते हैं ना। तिरसठ, तेरे तिर सिंटेसठ तिरसठ। अब देखिए कितने टेंस आ गए, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, सिक्स टेंस है ना, छह दहाई। क्या कहेंगे इसे? छह दहाई। अब यूनिट देखो कितनी आ रही है आपकी स्क्रीन पर, वेरी गुड, फोर यूनिट्स। हाउ मेनी यूनिट्स? फोर यूनिट्स। फोर यूनिट्स को क्या कहेंगे? चार इकाई है ना, क्या कहेंगे? चार इकाई। अब देखिए इकाई दहाई, दहाई में क्या आया? सिक्स, छह दहाई है ना, और इकाई कितनी होगी? चार इकाई, छह दहाई चार इकाई को क्या पढ़ेंगे जल्दी से बताइए। वेरी गुड, 64। क्या पढ़ेंगे? 64। 60 की स्पेलिंग याद होगी ना आपको, SIXTY, 60, FOUR, 4, 64। उर्दू में क्या कहेंगे? चौसठ, चेवा चौ सिंटेसठ चौसठ। जो नून है ना बेटा वो नून गुन्ना है, नाक से आवाज आएगी। चेवा चौ सिंटेसठ चौसठ। ओके नाउ नेक्स्ट, अब देखिए कितने ब्लॉक्स आ गए हैं। वेरी गुड, हाउ मेनी ब्लॉक्स? देखिए भी और आंसर भी दीजिए, मुंह भी हिलाइए।
देख रहे हैं हम, जल्दी से बताइए। हाँ, हाउ मेनी टेंस? वेरी गुड, सिक्स टेंस। हाउ मेनी टेंस? सिक्स टेंस। सिक्स टेंस यानी 6 दहाई। अब इकाई देखते हैं कितनी आती है। इकाई भी कितनी आ गई? 5, है ना? 5 यूनिट्स। वेरी गुड, 5 यूनिट्स यानी 5 इकाई। अब इकाई दहाई में देखते हैं, जल्दी से जल्दी से बताइए, टेंस के मकाम पे क्या आएगा? हाउ मेनी टेंस? टेल मी द आंसर। वेरी गुड, 6 टेंस। एंड हाउ मेनी यूनिट्स? 5 यूनिट्स। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। हाउ मेनी यूनिट? 5। अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? 6 टेन 5 यूनिट्स को 65। SIXTY 60, FIVY 65। ओके, उर्दू में कैसे पढ़ेंगे? पे पै सिंटे सट 65। पे पै सिंटे सट 65। यहाँ भी नून गुन्ना है, लिखा जाता है नुक्ते वाला, लेकिन पढ़ते वक्त हम इसे नाक से आवाज निकालेंगे, है ना बच्चों? पे पै सिंटे सट 65, 65। नाउ नेक्स्ट। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या आ गई, बताओ बच्चों। हाँ, मोतियों का हार आ गया ना। देखिए कितना है, जल्दी जल्दी से काउंट कीजिए। हाँ, कितने हार हैं बताइए? हाउ मेनी टेंस? हाँ, वेरी गुड, 6 टेंस। नासिया हाथ से बता रही है ना, 6 टेंस। नासिया मुझसे भी पढ़ो बेटा, 6 टेंस, है ना? 6 दहाई। क्या पढ़ेंगे इसे? 6 दहाई। वेरी गुड। अब देखिए यूनिट में क्या आता है, कितनी यूनिट आ रही है, देखिए जल्दी जल्दी से काउंट कीजिए, आपको बताना है कितने यूनिट्स हैं। हाउ मेनी यूनिट्स? वेरी गुड, 6 यूनिट्स। हाउ मेनी यूनिट्स? 6 यूनिट्स। अब इसे 6 इकाई लफ्जों में कैसे लिखते हैं? 6 6 टेंस 6 यूनिट 66। 6 टेंस 6 यूनिट 66। 6 दहाई 6 इकाई 66। 6 ये लिपिया 67। पढ़ो मेरे साथ बच्चों, देख रहे हैं हम कौन पढ़ रहा है, पढ़ो। 6 ये लिपिया 67 66। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना? 6 ये लिपिया 67 66। SIXTY 60। SIX 6 66। ओके, पढ़ते रहोगे ना बच्चों, अच्छे से याद होगा जल्दी जल्दी, है ना? फिर आपको उसको वीडियो को दोबारा देखकर याद करना है। 6 टेंस। हाउ मेनी टेंस? 6 टेंस। वेरी गुड, पहले ही आंसर आ जाता है ना, 6 दहाई। ओके, अभी देखिए यूनिट कितनी आ रही है हमारी स्क्रीन पर। हाउ मेनी यूनिट्स? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड हबीबा, 7 यूनिट्स, है ना? 7 यूनिट्स यानी 7 इकाई। 6 दहाई 7 इकाई। अब इसे लफ्जों में किस तरह लिखते हैं देखेंगे। 6 टेन 7 यूनिट्स 67। 6 दहाई 7 इकाई 67। ओके, लफ्जों में पढ़िए, वर्ड्स में पढ़िए। SIXTY 60, SCVN 7, 67। पढ़ रहे हैं ना बच्चों आप लोग? अब उर्दू में किस तरह पढ़ेंगे? सिंड्रे सर सिंटे सट 67, है ना? ओके, अब देखिए कितनी मोती आ रही है, कितने मोतियों का हार आ रहा है। कितनी मोतियां आई बच्चों, कितनी मोतियों का हार है? 6 टेंस। वेरी गुड, वेरी गुड आया, तो वेरी गुड रुक गया। 6 टेंस। 6 टेंस यानी 6 दहाई। और यूनिट देखते हैं कितनी आ रही है।
हाउ मेनी यूनिट्स? 8 यूनिट्स है ना, 8 इकाई आ गई। कितनी इकाई आई बच्चों? 8 इकाई, 6 दहाई 8 इकाई। अब इसे लफ्जों में किस तरह लिखते हैं? आपको लिखने भी आना चाहिए है ना, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं। 6 tens 8 units 68, क्या पढ़ेंगे इसे? 6 tens 8 units 68, 6 दहाई 8 इकाई। क्या पढ़ेंगे बच्चों? 6 दहाई 8 इकाई, 68 SIXTY 60 EIGST 8 68। लफ्जों में किस तरह लिखेंगे उर्दू में? अली पढ़े अ, सिंटेसठ, अड़सठ। आप लोगों ने गौर किया बच्चों, 50 की गिनती में 1 1 5 5 10 10 ना आवाज आ रही थी, 1 1 5 5। अब 61 60 की गिनती में कैसे आवाज आ रही है? 60 60 60 60 है ना। तो आपको याद रखने के लिए ये बेहतर तरीका है। 68 60 आवाज आई, देखिए अलीफ रे अड़, सिंटेसठ, अड़सठ, 6 दहाई, हाउ मेनी यूनिट्स? 6 tens है ना, कितनी आ गई? 6 tens। एंड नाउ अब इकाई कितनी आएगी, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, 9 9 इकाई है ना, 9 tens 9 units, 6 tens 9 units। क्या पढ़ेंगे इसे? 6 tens 9 units को? 69 है ना, वेरी गुड, 6 tens 9 units 69, 6 दहाई 9 इकाई, 69। क्या पढ़ेंगे इसे? इंग्लिश में पढ़िए पहले, SIXTY 60 NINE 9 69। उर्दू में किस तरह पढ़ेंगे? अलिफ नून ऊन हे ते हर तेरे तर उनहत्तर, अलिफ नून ऊन हे ते हर तेरे तर उनहत्तर। पढ़ रहे ना बच्चों? देख रहे हम कौन पढ़ रहा है? नबिया पढ़ो बेटा, समझ में आया ना बच्चों आपको? आप देखिए ये 6 tens था, अब हमने 1 ten और मिला दिए, तो हाउ मेनी tens? वेरी गुड, 7 दहाई। कितनी दहाई हो गई? 7 दहाई। 7 दहाई को क्या पढ़ेंगे? 70 है ना, 7 दहाई 70, 73 73 70। पढ़ो बेटा, 73 73 70, 7 tens है ना, 7 tens 70, 70 पढ़ेंगे उसे, 17 नहीं है, 17 और 70 में फर्क है बेटा, SEVEN 7 TYT 70 है ना, और 17 में टी डबल ई एन आता है, ये आप गौर करेंगे इस पर, ओके। चलिए अब थोड़ी सी मश कर लेते हैं एक्सरसाइज, जल्दी जल्दी खाली जगह पर मुनासिब अदद लिखो, राइट प्रॉपर नंबर्स, जल्दी से पढ़ो ये क्या है। 6 दहाई 4 इकाई, क्या पढ़ेंगे इसे? शिराली क्या लिख रहे हो, कौन से नंबर्स आ रहे स्क्रीन पर आपके? पूरा लाइन से लिख दिए, 71 72। ओके 71 बाद में पढ़ेंगे, हाँ बेटा पहले ही पढ़ लो। 6 दहाई 4 इकाई, 6 tens 4 units, जल्दी से आंसर बताइए। वेरी गुड आयत, वेरी गुड रुकैया, और तमाम बच्चों के नहीं आ रहे आंसर्स, जल्दी से आंसर्स दीजिए। कैसे लिखेंगे हम इसे नंबर्स में? 64। ओके शिरा पढ़ो बेटा, चलिए अब ये पढ़िए, कितना लिखा हुआ है? 6 दहाई 8 इकाई, 6 tens 8 units, 6 tens 8 units की तरह लिखेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट आंसर आने लगे, 68 है ना, 6 और 8 68, वेरी गुड, 6 tens 8 units। ओके नाउ नेक्स्ट, 6 दहाई 3 इकाई, 6 दहाई 3 इकाई,
सिक्स टेंथ थ्री यूनिट्स किस तरह लिखेंगे बच्चों? वेरी गुड उकैया, वेरी गुड जोहा, वेरी गुड जरीन, वेरी गुड 63, वेरी गुड, वेरी गुड 63। छे दहाई छह इकाई किस तरह लिखेंगे बच्चों? जल्दी से बताइए। सिक्स टेंथ सिक्स यूनिट्स, वेरी गुड 66। इन सौ में किस तरह लिखेंगे? 66, डबल सिक्स है ना। ओके, छह दहाई नौ इकाई किस तरह लिखेंगे? सिक्स टेंस नाइन यूनिट्स, नंबर्स में किस तरह लिखेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड 69, शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे जवाब दे रहे आपने, वेरी गुड। ओके चलिए घर काम ले लेते हैं, हम तैयार है ना आप घर काम के लिए? इट इज होमवर्क टाइम। बहुत आसान है, आदात 61 से 70 तक लफ्जों में लिखना है। 61 से 70 तक आप लफ्जों में लिखिए, ओके बुक में, और लिखकर हमें सेंड कीजिए आपकी टीचर्स को। राइट नंबर नेम फ्रॉम 61 टू 70 नंबर्स। चलिए अब आप इवेल्युएशन के लिए तैयार हैं। ओके, अब आपकी स्क्रीन पर छोटा सा गूगल फॉर्म आ रहा है, उसे आप सॉल्व कीजिए। जज़ाकअल्लाह खैरा, खैरन कसीरा। आ गया ना फॉर्म, चलिए ओपन करते हैं, है ना। आ गया बच्चों आपकी स्क्रीन पर, स्क्रीन पर आया बच्चों, दिखाई दे रहा है फॉर्म। ओके दिखाई दे रहा है ना सर? दिखाई दे रहा है फॉर्म? जी जी। चलिए अपना जल्दी से नाम लिखते हैं। हमारा नाम शाहिदा बानू। ओके, हम अपनी स्कूल का नाम लिखते हैं, आप भी लिखिए जल्दी से। डिस्ट्रिक्ट चॉइस करते हैं हम जल्दी जल्दी। मुंबई सब अर्बन है ना। ओके चलिए पहला क्वेश्चन आ गया हमारा, फाइव टेंस एंड सिक्स यूनिट्स। फाइव टेंस एंड सिक्स यूनिट्स 56, पांच दहाई छह इकाई 56। पांच दहाई छह इकाई 56 होता है, सही है या गलत आप बताएंगे? पांच दहाई छह इकाई 56 होता है, सही है या गलत, ये आप चॉइस कीजिए। हाँ ये सही है या गलत। दूसरा सवाल देखिए, 59 49, 59 49 लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, सही है या गलत इसे आप बताएंगे मुझे, है ना। सिलेक्ट कीजिए 60, इसे क्या पढ़ेंगे, 60 या 16 पढ़ेंगे? सही आंसर सिलेक्ट कीजिए बच्चों। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 73 एंड 75 के बीच में कौन सा अदद आएगा, कौन सा नंबर आएगा, आपको सिलेक्ट करना है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 69 से पहले और 69 के बाद, 69 से पहले और 69 के बाद कौन सा अदद आएगा, गौर से देखिए और उसे सिलेक्ट कीजिए। ओके और सबमिट कर दीजिए। वेरी गुड, आंसर्स आने लगे। हाँ गौर से कीजिए, जल्दी मत कीजिए, आंसर गलत होंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने पेपर सॉल्व कर लिया होगा। जज़ाकअल्लाह खैरा। जी सर,